ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम सब नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। तो ये रहे हमारा पूरा ग्रुप, दीदी है और हमारे साथ हैं योगी जी, माँ और मम्मी और प्रभा दीदी और मेरा ओमू। ये रहा है ओमू, थोड़ा सा अभी गुस्से में है क्योंकि उसका चश्मा खो गया, तो चश्मा दिलाना लॉक लगा दे योगी। चलो कपड़े भी हमने नहा धो के सुखा के डाल दिए, अब हम जा रहे हैं नारायण नारायण दर्शन करने के लिए। हाँ ले ली हमने, वो बैग के अंदर रख लिया। आज 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 नहीं, वैसे बहुत सर्दी है लेकिन बाल मेरे अभी थोड़े से गीले, इस वजह से हमने नहीं अभी कैप नहीं लगाया और ना ही डबल स्वेटर पहना और ना ही शॉल लिया, लेकिन ले लिया ले लिया। आ जाओ फटाफट आ जाओ, सुबह के 7 बज चुके हैं निकलते निकलते। हाँ 6:56 हो गए, साथ ही जेंट्स ग्रुप जा रहा है। यहाँ पे है पिताजी, चाचा जी और पिताजी और योगी जी। चाचा जी आ रहे हैं पीछे उनके साथ, हमारी माता जी बैठी है वहाँ पर। ले ले लिए ना, ले लिए कितने का? कितने का? बांध बांध चलो 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 बांध रहे। बांध बांध नहीं, बस बस बांध बांध। चलो और हमें जाना है वहाँ पे, हमारी मैया जी बैठी हुई है दर्शन करने। वो है अर्ध, ये है अर्ध कुमारी, वहाँ जाना है दर्शन करने। हाँ यहाँ से हमने ले लिया रजिस्ट्रेशन कार्ड और पहले हमारा हो गया था, उसका नंबर रिन्यू करवाया। पीछे है निहार का कॉम्प्लेक्स, अगर हेलीपैड ये सब सुविधा चाहिए तो आपको वहाँ से टिकट लेना होगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही करा के हैं तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऑफलाइन में बहुत लंबी, आगे देख के ही होगी, बहुत ही ज्यादा भीड़ और रस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। धूप अभी नहीं निकली है लेकिन माहौल काफी अच्छा है। देख रहे ये सामने आरती को आ रही वो वाइट कलर और ऊपर है और ऊपर माता जी। मम्मी निकल गए क्या? तो हमने यहाँ से शुरू नहीं भैया, नहीं यहाँ से कर दी हमने अपनी यात्रा की शुरुआत और हमारा ग्रुप है थोड़ा आगे आगे, ताकत वाले हैं। अभी देखते हैं माता रानी कृपा करेंगे, पैदल जाएंगे। लेडीज की लाइन में आप जा, जा। हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है बाणगंगा से लेकर माता के भवन तक के लिए। सुबह बज रहे हैं अभी 8 मिनट, सांचे दरबार की जय। अभी हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, अभी हम पहुंच रहे हैं बाणगंगा, अब यहां से जा रहे हैं माता जी के भवन की और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और सब लोग पीछे हैं। अभी यहाँ पे ठंड थोड़ी कम हो चुकी है और 2 दिन पहले बरसात हुई थी और अभी ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही है। दूसरे का रघुवीर सिंह और बच्चा वो दो तीनों लोगों के लिए हमने खच्चर कर लिया है यहाँ पे ना, तो आज आते 1 घंटा बाकी है। तीनों लोगों के लिए खच्चर कर लिया है, लोग चढ़ने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। साथ में रखें, साथ में चलिए, रुक जाओ। ओम के लिए बॉकर किया है, देखो ये बैठ गया बॉकर में, हीरो बैठा है हमारा। एक और कहाँ है? चलो हम बैठवा दें पहले जिन लोग ना ना, वो कहाँ है आपका? आ जाए अंदर, तीन कराए थे, तीन आ गए। तो अपनी आईडी देख लो सर, कौन कौन सा आईडी को कौन सा है।
अब जाऊँ छोड़ के आ रहा लग गया यार। जय माता जी। चाचा चले गए। हेलो। जय माता जी। पिताजी के लिए खच्चर कर लिया है हमने, यहीं से बाणगंगा से कर लिया था। सेठ जी, तो पिताजी लोग आगे निकल चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं पैदल। अभी बज गए हैं 8:30 और हमने यात्रा स्टार्ट कर ली है। अभी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाणगंगा नीचे ओम को ये आ रही है, ये बाणगंगा आ रही है ऊपर से। ऊपर से माँ वैष्णो देवी भवन से बाणगंगा आ रही है यहाँ पर। हाँ दीदी क्या हुआ, अभी से थकने लगी? थोड़ा जी तो काफी थी बहु और ले ले बाबा वालों। जय माता दी। ये क्या पापा? ये लोग कहाँ रह गए? जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता की। मिलकर बोलो। जय माता की। दोनों पिताजी चाचा जी ये सब खच्चर से चले गए ऊपर और वो लोग फटाफट एक या दो घंटे में पहुंच भी जाएंगे ऊपर। और अभी हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। ओम को पालकी में बिठा दिया है। माँ दीदी सब पीछे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है दीदी? कैसे लगा? वो लोग आगे पीछे अब बता ढोकर लोग चढ़ पाते?
पी लो, पीना है। सुंदर घाटी है, जल्दी जल्दी चलो, कहाँ है इतने आराम से, लो कब तक पहुंच पे हो। अभी अर्धकुंवारी से दो रास्ते चालू हो जाते हैं, एक प्लेन रास्ता है, दूसरा ये खच्चर वाला रास्ता है। तो अभी हम प्लेन वाला रास्ता लेंगे। पिताजी लोग खच्चर वाले रास्ते से खच्चर पे गए हैं, वो भवन पे उतरेंगे, फिर भवन से हमारा वेट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, खा लेते हैं, चलो उनको बोल दो रुक जाए। वो अर्धकुंवारी है, वहां तक आधा रास्ता तय होगा। देखो ये अभी से थकने लगे, अर्धकुंवारी वो है ऊपर जो है ना, वो अर्धकुंवारी है। हाँ ये रहा नीचे कटरा, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी अर्धकुंवारी भी नहीं आया है। डंडा से चलो, डंडा से, ओम डंडा से चलो। ये देखो ओम को बॉकर छोड़ के इनको जाना है पैदल पैदल, वो भी डंडे के साथ बॉकर जा रहे हैं आगे खाली खाली। वेरी गुड, जय माता दी ओम, जय माता दी ओम ओम। कैसा लग रहा है? जय माता दी, बोल अभी नहीं जा रहे मम्मी से। हे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और हम लोग अभी अर्धकुंवारी भी नहीं पहुंचे हैं, और लगभग हमें 2 घंटा और लग जाएगा अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते। लेकिन थोड़ी सी थकान हुई है, पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं ऊपर तक। हमें कोई पालकी घोड़ा इन सब की जरूरत ना पड़े, माता रानी की कृपा से। और योगी जी के साथ में माला भी हो रही है, बोला नहीं जा रहा है क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। हमारा ओम है आगे जो वॉकर में, और उनके साथ हैं दीदी, तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए पीछे हैं मम्मी। एंड मम्मी जी बताइए कितना थकी हैं आप? मम्मी की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि वो नहीं थकी हैं, और वो आराम से चढ़ती जाएंगी, है ना? मम्मी जी की हंसी देख के काफी अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ हम कह सकते हैं। और यहाँ जा रहे हैं योगी जी ढोल नगाड़े के साथ, काफी चाहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और पालकी घोड़ा इस वजह से काफी दिक्कत होती है बीच में निकलने में। तो हम लोग अभी मार्ग चेंज करेंगे अर्धकुंवारी से। माँ बोलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, खड़े रहेंगे। अच्छा यहाँ से हमने थोड़ा सा सीढ़ी का सहारा लिया, लेकिन वैसे ही ठीक है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ेगा तो प्यारी शांति से चलो। थोड़ी देर सीढ़ी के सहारा लिया, लेकिन ये रास्ता ही ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था वो रेड, कहाँ पे नीचे, वो
देखना आना जा। यहाँ से कि हमने शुरू किया था यात्रा और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी थक गई हूँ, रेस्ट करके फिर से चलेंगे, जल्दी नहीं है, आराम से जाना है। वहाँ का बैठी थे आ जाओ मम्मी को भरा भरा बता दीदी का बैठिया कैसा लग रहा है हम घोड़े पे जाओगे घोड़े पे तो बाबा चले गए अभी थोड़ी देर का होल्ड करते हैं फिर आगे चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक अर्धकुंवारी के लिए और सामने वाला हिमकोटी वाला। पहले हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे हिमकोटी वाले रास्ते पर। वाओ वाह क्या मस्त नजारा है। अर्धकुंवारी पर हम पहुंच चुके हैं, अभी बज रहे हैं 11:30, 9 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी थी हमने, आधा घंटे में कवर करा हमने और अभी 5 किलोमीटर और चलना है अर्धकुंवारी से। पिताजी लोग खच्चर घोड़े से पहुंच चुके हैं वहां पर, अभी मुझे वहां मिलेंगे। कुछ खाओगे पियोगे नहीं? दीदी ने जब से नीचे से स्टार्ट किया है तो गुप्त 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 कर रही है। ओम जय माता। देखो कितने मस्त बादल है। देखो हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, अभी वहां चल जाना है हमको वहां तक। अभी हम गर्भगुफा के यात्रा पर्ची सबके लिए ले लेते हैं और क्या मस्त व्यू है यहाँ का माँ वैष्णो देवी भवन का। हाँ माँ जाओ 5 मिनट में आ रहे हाँ? अंदर नहीं जाने दे रहे, चलो 10 मिनट में आ रहे ना। यह है अर्धकुंवारी का दृश्य। तो हमने गर्भ गुफा की पर्ची ले ली है, 8 घंटे की हमको वेटिंग मिली है, तो अभी हम यहाँ से दर्शन कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं भवन की ओर। जय माता जी। लौटते टाइम आएंगे ना, 8 घंटे की वेटिंग है, तब तक अपना 8 घंटे क्लियर हो जाएगा। जय माता की। जय दरबार की। जय बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता की। चलते बोलो जय माता की। जय माता की। अब तो रास्ता बढ़िया आ गया है ना। अभी राइट घड़ी के 12 बज चुके हैं, हम 9 बजे निकले थे नीचे से और 12 बजे अर्धकुंवारी 11:30 बजे पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। आधा घंटा वहां होल्ड किया और गर्भ गुफा की पर्ची ले ली, 8 घंटे की वहां वेटिंग आ गई है और अभी लगभग 3 घंटे और लगेंगे ऊपर भवन पे पहुंचने के। चलो चलते हैं जय माता की बोलते हुए। ये वो रेलवे लाइन है,
चलो ओम बैठ चुका है बोकर में। यहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो इसके लिए जाल लगा दी गई है। कहाँ आज का मौसम भी बहुत अच्छा है माता की कृपा से, और हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। मैंने स्वेटर भी उतार दिया था फिर से वापस पहन लिया, और ये देखो इन लोगों को भी ठंड नहीं सता रही, वो देखते हैं कब तक नहीं सताती। तो ये हमने दूसरा वाला रोड चुना, दूसरा वाला वे चुना है जिसपे खच्चर घोड़े जाते हुए वाला वे हमने नहीं चुना। ये वाला कौन सा वाला मार्ग है, कौन सा मार्ग है, पुराना वाला मार्ग है। जय माता दी। क्या हुआ, क्या हालत है, कैसा लग रहा है, माँ कहाँ रह गई। बस अब थोड़ी दूर बचा है ऊपर पहुंचने के लिए, काफी चढ़ाई कर ली हमने, और पहाड़ों में कहीं बादल दिख रहे हैं, कहीं धूप है कहीं छांव है। जय माता दी बोलते बोलते चढ़ते जाओ। भवन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर 2500 मीटर बची है, 2.5 किलोमीटर के लगभग है, बस बहुत गई थोड़ी रही। 12-13 किलोमीटर की चौड़ाई में हमने 10 किलोमीटर कवर कर लिया है, अब 2.5 किलोमीटर बचा हुआ भी माता जी की कृपा से पूरा हो जाएगा। बाकी के सब लोग थोड़े वक्त पीछे रह गए, दीदी ओम आगे जा रहे हैं। जय माता दी। मौसम ठंडा हो गया, स्वेटर कम्बल टोपा ये सब तो होनी चाहिए साथ में। यहाँ देखिए धूप है और यहाँ पे लग रहा है कि बारिश होने वाली है लेकिन होगी नहीं। हमने वापस से स्वेटर पहना क्योंकि यहाँ पे नाक कान सब बंद हो गए है ना योगी जी। मम्मी बोल रही है ऐसा लग रहा है कि खटिए बचा के आराम से सो जाओ क्योंकि सच में थकान हुई है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, लेकिन भवन आ गया तो काफी अच्छा लग रहा है, देख के आपको भी दिखा देते हैं। बस 1.5 किलोमीटर और, 1.5 किलोमीटर और बचा है माता रानी के दर्शन के लिए। अभी बज रहे हैं 9:30, हमने यात्रा स्टार्ट करी थी, बीच में काफी स्टे भी किया, अब सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर माता रानी के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। चलो माता रानी का भवन आ चुका है, फाइनली हम माता रानी के भवन तक पहुंचने ही वाले हैं। तो पीछे दिख रही है पिक, फटाफट 15-20 मिनट में हम माता रानी के भवन में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा बंदरों का भी त्रास है, इसके लिए बार बार फोन अंदर रखना पड़ता है। वाओ कितना अमेजिंग वेव, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और सबसे दृश्य तो है ही अच्छा, लेकिन माता जी इतने पास में आ गई, लेकिन एक बात है माता जी बहुत ऊपर आके बैठी हुई है। कितने ऊपर पिक है देखो,
माता रानी का दरबार बस अब कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गया है। देखो माँ, दोनों माँ वहीं रह गई। वो प्रभा जी जा रही है, देखो ओम पोकर में जा रहा है। कितने आगे निकल गए लोग। वो देखिए योगी भी कितने आगे निकल गए हैं। ओम यहाँ देखो, ओम ओम। सबने प्रसाद ले लिया है, अभी लॉकर में सब बैग जमा करा के जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हमको थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया था, इसके 4:30 बज गए थे और रोप वे हो गया था बंद, तो भैरव बाबा की चढ़ाई हम पैदल ही कर रहे हैं। ओम के लिए बोकर कर लिया, बाकी का सब हम पद यात्रा कर रहे हैं भैरव बाबा के लिए, जो कि 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर लंबी खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा थकान ज़्यादा होती है। तो सभी लोग अभी पैदल चल रहे हैं, ओम के लिए कर लिया हमने बोकर। हमारी पूरी पलटन वो आ रही है। जगह जगह आपको पालके और घोड़ा खच्चर मिल जाएंगे यहाँ पर। पूरी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर भी। तो भैया को भी कितना जोर लगाना पड़ रहा है चढ़ाई करने में। जय माँ विष्णु देवी। बोकर वाले भैया हम लोग को उतार कर चले गए ओम को। अभी ओम की मम्मा दादी और नानी रास्ते में है, अभी वो आ जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। तब तक हम यहीं पर उनका वेट करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं, सब लोग आ गए। ओमो तो ये आ गए हम सेल्फी पॉइंट पे। तो हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ के, हमने दर्शन भी कर लिए। हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ, हमने दर्शन भी कर लिए। और ये पीछे का व्यू है, काफी प्यारा है, लेकिन यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा सर्दी है कि हाँ, कितनी सर्दी है वहाँ, बहुत ज्यादा है। और यहाँ का देखो कितना ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ बस भीड़ ही दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा टाइम हो गया, सबने यहाँ पे कम्बल स्वेटर सब ओढ़ लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है।
हम लोग वापस ही पैदल ही जा रहे हैं, हम थोड़े पीछे ये लोग जा रहे हैं। अब हम आ गए वापस अर्धकुमारी, आधी उतर के आ गए, आधा भी हमें और उतरना होगा। थकान तो सच में थोड़ी ज्यादा वाली है, पर पहुंच जाएंगे नीचे। हाँ, ये रहा नीचे का वेव और अभी हम वापस आए हैं। ये रही अर्धकुमारी, यहाँ से हमने क्रॉस कर लिया और यहाँ का वेव काफी अच्छा। ये लोग जा रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओम शो गया है, बट ये है कि वो वॉकर में है तो उसको इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा। उसको मैंने कम्बल उड़ा दिया, अच्छे से उसको बिठा दिया तो वो सो गया। बट हम लोगों को भी थकान तो नहीं हो रही है, पर क्योंकि हम लोग इधर से भी पैदल ही गए और उधर से भी पैदल ही है, इस वजह से थोड़े से पैर दुख रहे हैं। अब सोच रहे हैं जल्दी होटल पहुंचे, खाना खाएं और रेस्ट करें, क्योंकि थकान बढ़ रही है।